हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएचसी एंड बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2020 फाउंडेशन कोर्स का ये पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है मॉरल वैल्यू एंड लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि नैतिक मूल्य और भाषा फर्स्ट। ये पेपर 30 मार्क्स का हुआ है और सबसे पहले इसके अंदर सेक्शन ए होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 5 पूछे जाते हैं और 5x1 यानी कि 5 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जैसे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहे हैं, अब आ जाता है आपका सेक्शन बी 3x3 यानी कि 9 मार्क्स। और यहां पर जैसे कि जिलहरी परिक्रमा क्या होती है, जनसंचार से क्या आशय, लोकोक्तियों की विशेषता बताइए, संक्षिप्ति का प्रयोग करके क्या लाभ है, बघेली नाट्य को स्पष्ट कीजिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखने के संबंध में क्या समस्याएं बताई। अब आ जाता है आपका खंड सी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पेपर में अगर आप सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 देखेंगे तो आपको सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे। अगर आप वो पेपर पढ़ के गए होंगे तो आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर तो अभी भी देर नहीं हुई है, बाकी क्वेश्चन पेपर भी बाकी है, तो आप चाहे तो यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। राइट गाइस, चलिए हम दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सहयात्री अमृतलाल बघेल द्वारा लिखे गए इस यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश डालिए। संपादन कला के तत्व बताते हुए प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिप्पणी लिखो। सेलुलर फोन की 3 पीढ़ियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। शब्द किसे कहते हैं, इसे परिभाषित करते हुए शब्दों के भेद बताइए। एक अच्छे अनुवादक की विशेषता बताइए। धर्म क्या है, धर्म का अर्थ स्पष्ट करते हुए धर्म की मुख्य विशेषताएं लिखिए। दूरभाष प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया पर विवेचना कीजिए। भाषा के रूप में हिंदी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और भी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।